उनकी जड़ें भी है या अनेक धर्मों के बीज भी है? तो पहले कौन समझेंगे? अनेक धर्मों से चुने हुए जो बीज यज्ञ के आदि में भी थे और वो अभी दोबारा फिर जन्म लेकर के आए हैं एडवांस पार्टी, वो पहले समझेंगे या दुनिया वाले पत्ते पहले समझेंगे? पहले बीज समझेंगे। बीज जो है वो अविनाशी होता है, झाड़ में जड़ें अविनाशी होती है, टहनियां अविनाशी होती है, पत्ते अविनाशी होते हैं या बीज अविनाशी होता है? पत्ते सड़ जाते हैं, टहनियां भी सड़ जाती है, कहीं भी डाल लो जब टाइम आएगा तो होगा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही ये सत्य रूपी वृक्ष के बीज रूप आत्माएं हैं, ये 9 लाख बीज हैं। वो कैसे जानेंगे? उनमें 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले। तो पहले कौन जानेंगे? जन्म देने वाले जानेंगे। उनमें भी 4.5 लाख में भी दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़े हुए बीज भी हैं और सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का छिलके वाले भी बीज हैं। तो पहले कौन जानेंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी जानेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों में भी पहले कौन जानेंगे? पहले सूर्यवंशी जानेंगे कि चंद्रवंशी पहले जानेंगे? चंद्रमा तो माँ का पार्ट बनाने वाला, वो तो प्रभावित हो गया बच्चों से, तो पहले नहीं जान सकते। तो जो सूर्यवंशी बीज हैं उनमें भी ऐसा कोई बीज नहीं है जिसके ऊपर कुछ न कुछ दूसरे धर्म का छिलका आखिरी जन्म में जाकर न चढ़ता। माता जी का सवाल ये है कि कैसे जानेंगे? सब नहीं जानेंगे क्या? जो असली बीज होंगे अपने धर्म के पक्के, क्या लास्ट जन्म तक टकराने वाले, वो पहले जानेंगे। और जो द्वापर युग शुरू हुआ और पहले ही कन्वर्ट हो गए वो बाद में जाए। तो जब बीज जान जाएंगे तो उनके फॉलोअर्स भी जान जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? और बाबा एक बार बोलते हैं कि गीता पुस्तक से खंडित थाना तो बोल रहा था, बाबा दूसरी बार बोलते हैं राज करेगा खालसा। हाँ जी, जो गीता खंडित हो गई वो खंडित हुई गीता को भगवान बाप आता है तो अखंड बनाता है या नहीं बनाता है? है? कम से कम 2500 साल के लिए अखंड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो कोई वो आत्मा चैतन्य है या कोई जड़ पुस्तक है? कोई चैतन्य आत्मा है जो 2500 साल तक ऐसी रहती है, अखंड रहती है। और जैसे ही दूसरे दूसरे धर्म के आते हैं वैसे ही उनके प्रभाव में आ जाती है। पहले प्रभाव में आती है कृष्ण की, सभी आत्माएं सभी वहां रहती है। 10 करोड़ ही तो रहती है सभी कहते हैं। 10 करोड़ में कोई एक आत्मा ऐसी है जो पहले प्रभावित होती है, किससे? सूर्य से के चंद्रमा से प्रभावित होती है।
तो पहले ही जन्म से ही प्रभावित होना शुरू हो गया, दिल में कृष्ण की छाप पड़ गई। जब कराची में स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ था तो उस समय कौन सी माता थी? कराची में जब सैंपल तैयार हुआ था स्वर्ग का तो कोई माता थी जिसके दिल पर कृष्ण की छाप पड़ी, उसने कृष्ण का साथ दिया, बाप का साथ नहीं दिया। नहीं तो माता को किसका साथ देना चाहिए? बाप का साथ देना चाहिए, लेकिन बाप का साथ नहीं दिया, बच्चे का साथ दिया। तो माता के ऊपर किसकी छाप पड़ी? सर तो बच्चे की छाप पड़ गई। कराची में तो 1948 से चालू हो गया, तो दोनों माता में 1947 में ही छोड़ा। हाँ, फाउंडेशन की बात बताइए कि जो भी गीता का भगवान कृष्ण है ये फाउंडेशन भी कौन सी युग में पड़ता है? यानी सत्युग की शुरुआत तो कराची से हुई, मॉडल के रूप में भी, लेकिन सत्युग की शुरुआत जब हुई उससे पहले ही जब प्रजापिता गया तो कोई तो कारण बना ना। पुरुष को वैराग्य कब आता है? बच्चा मर जाता है तब वैराग्य आता है, या पत्नी उसकी बात नहीं मानती है तब वैराग्य आता है? घर बार छोड़ के भागता है न। ग्रहम ग्रहम इति उच्यते, गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर की ईंटें गिर जाए तो दूसरा घर बना लेगा, लेकिन घर की घरवाली ही अगर विपरीत बुद्धि हो जाए तो घर तो बिगड़ गया। तो वैराग आता है काय से? घर और घर। आखिर कन्या धर्म की फाउंडेशन डालने वाला मूल बीज कौन है? हर धर्म का, राज्य का फाउंडेशन डालने वाला प्रजापिता है ना। तो संन्यास धर्म का भी फाउंडेशन डालने वाला कौन है? वो भी तो उसमें संस्कार होंगे ना। सारी सत्य का जो बीज है उसमें हर धर्म के सात्विक बनने के संस्कार समाये हुए। तो यज्ञ के आदि से ही ऐसा हुआ। तो गीता खंडित होती है, 2500 वर्ष में गीता पूरी खंडित हो जाती है। फिर सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग और झूठी गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग से क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। तो सच्ची गीता कौन और झूठी गीता कौन? सच्ची गीता झूठी नहीं। सच्ची गीता जो प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना करके दिखाए, और झूठी गीता जो सिर्फ ज्ञान का बदन तो तोड़ती है, ज्ञान में उसको कोई हरा नहीं सकता। ज्ञान में बहुत तीखी, लेकिन प्रैक्टिकल में धारणा में फेल हो जाती है, इसलिए वो झूठी गीता। ज्ञानी भी सच्चा कौन? रावण ज्ञानी नहीं था क्या? प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। माने प्रकांड विद्वान था, बहुत ज्ञानी था। फिर राम और रावण में अंतर क्या हुआ? राम का जीवन प्रैक्टिकल और रावण का जीवन कहना कुछ और करना। तो ज्ञान ज्ञान सुनाना और सुनना ये है भक्ति मार्ग, उससे होती है उतरती कला। और ज्ञान को सुनना भी हो, समाना भी हो, धारण करना और दूसरों को कराना भी हो, वो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में है सब प्रैक्टिकल, और भक्ति मार्ग में
हम श्रद्धा हम श्रद्धा है, प्रैक्टिकल में कुछ काम संपन्न नहीं होता है। और तो बाबा वो झूठी गीता है, फेल हो जाती है, फिर भी राज करेगा खाली। दूसरे धर्म के जो है वो सब बाल बच्चे हैं, गीता है ना। यज्ञ के आदि में जो भी गीता है, जो कृष्ण के या कृष्ण के फॉलोअर्स के प्रभाव में आ जाती है, वो गीता धीरे धीरे कन्वर्ट होती है या एकदम कन्वर्ट हो जाती है। दिल्ली के ऊपर राज्य दूसरे धर्मों का एकदम शुरू हो जाता है द्वापर युग शुरू होते ही, या धीरे धीरे शुरू होता है कलयुग के अंत तक आते आते दिल्ली पूरी की पूरी विदेशों से प्रभावित हो जाती है। जैसे स्वदेशीयता नाम मात्र को रह जाती है, ऐसे ही जो भी खंडित गीता है वो तो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, और सच्ची गीता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। सच्ची गीता का ही गायन होगा, राज करेगा खालसा वाली बात जो है ना, वो तो इस ऐसे आधार पर साबित होती है कि बेसिक नॉलेज ज्यादा पावरफुल है या एडवांस नॉलेज ज्यादा पावरफुल है। तो बेसिक नॉलेज वाले जो बंदे हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में राजी करने वाले हैं, वो बड़ा राजी करेंगे, या एडवांस नॉलेज के जो बंदे हैं वो बड़ा राजी करेंगे। बेसिक नॉलेज में अभी जो वर्ल्ड मदर का टाइटल लेकर के बैठे हैं, उनका तो कुछ भी मान मर्तबा नहीं है जो अभी मान मर्तबा होने वाला है। किसका? एडवांस पार्टी के जो बड़े बड़े धर्मगुरु श्री श्री 108 महामंडलेश्वर, सरस्वती का टाइटल लेकर के बनारस में बैठ जाते हैं, वो टाइटल कहां से मिलता है? सरस्वती जगदम्बा का कहां से टाइटल मिलता है? अरे स्थान कौन सा है जहाँ से टाइटल मिलता है? बनारस से बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों को जो टाइटल मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? बनारस। ब्राह्मण दुनिया का बनारस कहाँ है? एडवांस पार्टी में बनारस कहाँ है जहाँ से बना बनाया रस मिलता है सबको? कोई हेड ऑफिस है ना, वहाँ से जगदम्बा श्री श्री जगदम्बा सरस्वती को श्री श्री सरस्वती जी महाराज, वो टाइटल कहाँ से मिलता है? वहीं से मिलता है ना। तो जिनको टाइटल मिलते हैं बड़े बड़े, वो विद्रूप आत्माओं में भी है और आधार मूर्तों की जड़ों की दुनिया में भी है। जड़ों की दुनिया का मूर्तवा उतना बड़ा नहीं है, उनका छोटा मतलब है। जो मुरली में बोला है कि तुम लिखो वो शब्द हटा दो, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, क्या लिखो? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, वर्ल्ड गॉड फादर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। आगे चल करके सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, और तुम्हारे सेंटर्स गली गली में हो जाएंगे। अभी तो थोड़े सेंटर्स हैं, लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे। तो अभी लाखों की तादाद खुले, अभी अभी जो खुल रहे हैं उनमें झूठापन भरा हुआ है, झूठा ज्ञान सुनाया जा रहा है। और जब सच्चाई फैलती चली जाएगी, वहां तो एडवर्टाइजमेंट होता है सब, ये इतने फैल रहे हैं, और यहाँ तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो भी फल फूल रहा है। तो बड़ा रूप किसका बनेगा? सारी दुनिया में
कौन सा लाखों की तादाद में साइंटिस्ट होंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी होंगे या आध्यात्मिक विष्णु विश्वविद्यालय होंगे? कौन से आध्यात्मिक विष्णु विश्वविद्यालय ढेर के ढेर हो जाएंगे सारी दुनिया में। राजा ही बाबा नहीं बननी चाहिए। सुनो तो, बाबा कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है या अपने हम जिन को आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है? बाबा खुद भी तो बहता है, जितने पुरुष है तब सब दुर्योधन तो साथ है। तो किसके हाथ में राजा ही जानी चाहिए? हम माताओं के हाथ में राजा ही जानी चाहिए ना। एहसास होने के लिए ये जरूरी है। तो जैसे बेसिक नॉलेज में जो वर्ल्ड मदर बन करके बैठती है उनकी पहले पूजा की ना, यहाँ बैठे हुए सभी ने पूजा की ना। जो बेसिक में नहीं चले उनकी बात छोड़ दो, बेसिक में इस जन्म में नहीं चले तो पिछले जन्म में तो चले होंगे। इस जन्म में पूजा नहीं की तो पिछले जन्म में पूजा क्यों? तो जिनों जिन्होंने भी पूजा की है वो जानते हैं कि जो वर्ल्ड मदर का टाइटल ले लिया वो बहुत छोटा टाइटल है, और आगे आने वाली दुनिया में जो वास्तव में टाइटल है जगदम्बा का वो किसको मिलने वाला है? वर्ल्ड मदर का टाइटल मिलने वाला है ना। तो जो वर्ल्ड मदर का टाइटल मिलेगा और उनके जो भी सहयोगी शक्तियां होंगी देवियों को इतनी भुजाएं दिखाई जाती हैं, ढेर भुजाएं दिखाई जाती है। तो जो भी अपनी भुजाओं के द्वारा राज्य करेंगी तो उनका राज्य बेसिक वालों के मुकाबले विशाल होगा या छोटा होगा? विशाल राज्य होगा। उस समय का गायन है राज करेगा विशाल का। लेकिन ये गायन हिंदू लोग गाते हैं या सिख लोग गाते हैं? सिखों ने ये गायन किया है राज करेगा विशाल का। उनकी बुद्धि में बात ही इस बात में बैठती है कि कलयुग के अंत का, जब कलयुग अंत होता है ना 500 साल रह जाते हैं ड्रामा पूरा होने में, तब सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक इस धरती पर आते हैं, सिख धर्म की स्थापना होती है। उससे पहले तो सिख धर्म का नाम निशान नहीं होता है। तो लाट का धर्म है ना, इनकी जो सात्विकता है वो लाट की है या शुरुआत की है? लाट की है। तो उनके धर्म में ये गायन है राज करेगा फाल कर। और वैसे भी देवियों में जो मंदिर हैं वो पंजाब साइड में ज्यादा हैं या सारे हिंदुस्तान में ज्यादा हैं? पंजाब साइड में ढेर मंदिर हैं देवियों। तो बेसिक नॉलेज में जो देवियां निकली वर्ल्ड मदर के रूप में जिनकी पूजा की, पूजा करने वालों को जब सच्चे ईश्वर का पता लगा, बुद्धि में सच्चाई का ज्ञान बैठा, तो बेसिक नॉलेज की देवियों की डूबी जा हुई या नहीं हुई? ब्राह्मणों की दुनिया में ही हुई या बाहर की दुनिया में हुई? ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने उनकी डूबी जा कर दी। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी भले कितना भी विकराल विशाल रूप हो जाए, किसका? माया रावण का। माया रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर। 5 हैं माया के रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 हैं प्रकृति के रूप, जिसके लिए अगस्त वाणी में बोला प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, क्या रगड़ के कीड़े मकोड़ों का सफाया करेगी। पहले बाहर की दुनिया में करेगी ये, पहले अंदर की दुनिया में करेगी? अंदर की दुनिया में पहले सफाया होना चाहिए कीड़े मकोड़ों का। क्या
जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है, तो महाकाली का जब पार्ट बजाएगी तो जो जड़ों के रूप में बेसिक नॉलेज वालों की दुनिया में आसुर हैं उनका पहले सफाया करेगी, कि पहले बीज रूपों की दुनिया में जो असुर दूसरे धर्म का छिलका लेकर के ओढ़ के बैठे हुए हैं उनका सफाया करेगी। भले कितने भी पावरफुल हैं तो भी उनको रगड़ रगड़ के साफ करेगी। और सारे संसार में नाम वाला होगा किसका? जगदम्बा। शिवली के चित्र में द्वापर युग में देवियों की पूजा दिखाई है या कलयुग में दिखाई है? कलयुग की शूटिंग में देवियों की पूजा दिखाई है और गणेश और हनुमान जैसे जानवरों की पूजा दिखाई है, तो ये सब पूजनीय बनेंगे क्या? जितने भी अवतार हैं जो गाए हुए हैं, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वो सब प्रत्यक्ष होंगे और छुपा रुस्तम बाद में जब खुलेगा तो सब की डूबिया डूबिया हो जाए, चाहे गणेश हो, चाहे हनुमान हो, चाहे देवियां हो, सब झूठे और एक एक सच्चा साबित हो जाएगा। चार युग में चार अवतार बोलते हैं, चार अवतार कौन से? अभी तक चार युगों की शूटिंग का ज्ञान ही बुद्धि में नहीं बैठा है। सचिव की शूटिंग कब पूरी हुई? 76 में किसकी प्रत्यक्षता मनाई है? शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया ना, शिव जयंती हुई ना, शिव जयंती की छुट्टी होना शुरू हुई 76 से। पहले छुट्टी होती थी क्या? नहीं होती थी, और अब छुट्टी हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? पहले प्रत्यक्ष नहीं हुआ था ब्राह्मणों की दुनिया में, और अभी अभी प्रत्यक्ष हो गया। तो अभी जो प्रत्यक्ष हुआ है वो झूठा प्रत्यक्ष हुआ है या सच्चा प्रत्यक्ष हुआ? सच्चा प्रत्यक्ष हुआ। अगर सच्चा ना होता तो अव्यक्तवाणी में बोला ही क्यों जाता? 76 को बाप का 76 से पहले क्या बाप प्रत्यक्ष नहीं होता था? प्रत्यक्ष होने की सेवा नहीं की जाती थी? 76 के बाद बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई क्या? फिर 76 को ही क्यों लिया? तो साकार में बाप का जो पार्ट था वो 76 से प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मण की दुनिया। तो 76 में शिव बाप जो है वो शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, दूसरी मूर्ति का पार्ट शुरू होता है। ये हुई सचिव की शूटिंग के अंत में पहली अवतार की बात। उसके बाद 86-87 में अव्यक्त बाप दादा का आना ही नहीं हुआ, हर साल आते रहे, 87-88 में क्यों नहीं आए? जरूर उनको कोई विशेष पार्ट बजाना था, वो पार्ट उन्होंने बजाया 87-88 के बाद। 90 में वो आत्मा ने जो पार्ट बजाया उसके बीज रूप आत्माओं की दुनिया में 9 कन्याएं ऐसी निकल पड़ी जिन्होंने बिन फेरे हम तेरे होने का पार्ट बजाई दिया। तो किसकी प्रत्यक्षता हुई, किसके द्वारा हुई? संगम भी कृष्ण जो है वो बच्चा त्रेता युग की अंत की शूटिंग में पीपल के पत्ते पर 100 साल की उम्र पूरी होने के बाद अमरलोक में आ जाता है।
त्रेता के अंत में क्यों आता है? द्वापर के शुरू में क्यों आया? हाँ, द्वापर युग की शूटिंग के शुरू में क्यों? भक्ति मार्ग में त्रेता युग में राम को दिखाते हैं और द्वापर में कृष्ण को दिखाते हैं। ये बात है कहाँ की? संगम युग में ऐसी शूटिंग होती है। बाप अपने को खुद नहीं प्रत्यक्ष करता है, बच्चे द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो सन 87-88 में राम वाली आत्मा के द्वारा त्रेता युग की शूटिंग का काम पूरा होता है, पूरी प्लानिंग आ जाती है बुद्धि में। उस समय की जो मुरलियां जो ये क्लैरिफिकेशन है ना, वो कैसेटों में है, क्या वीसीडी में और डीवीडी में नहीं है। लेकिन वो वाणियां ज्यादा पावरफुल है या अब की वाणियां ज्यादा पावरफुल है? पहली वाली कैसे सुनो ध्यान से, सुनते ही सुनते जैसे कि रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो राम बाप के द्वारा जो वाणी चलाई गई उसमें वो फोर्स था। उसके बाद द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण वाली आत्मा गर्भ में आती है, फिर प्रत्यक्ष कब होती है? द्वापर युग की शूटिंग का जब अंत होता है तो 98 में वो प्रत्यक्षता हो जाती है। द्वापर के अंत में कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ और कलयुग का अंत होता है तो कलंकीधर प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी कलंकीधर प्रत्यक्ष नहीं हुआ है पूरा, क्या कलंकीधर जब प्रत्यक्ष होगा तो इतनी जोर शोर से प्रत्यक्ष होगा कि टीवी वाले भी बिना पैसा लिए कलंकीधर को प्रत्यक्ष कर। कलंक ही बाप है, कलंक धारण करने वाला कौन है? बाप ही के सारे अवतार में ज्यादा शिवाजी का गायन होता है ना, तो शिवाजी तो राम वाली आत्मा है। ये कैसे पता है? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे प्रूफ और प्रमाण के बगैर कोई बात नहीं मानते, नहीं तो आपने कैसे मान लिया? हाँ भाई, इसमें आया है, इशारा आया है। किसमें इशारा आया है? एक कैसेट में इशारा। क्या इशारा आया है? वो मतलब जो होते हैं ना राम छोटा संगठन बनाता है ना पहले, छोटा संगठन बनाता है ना अपने मावड़ों का, तो वो तो राम वाली आत्मा ही है। तो वो सभी पहले छोटा संगठन बनाते हैं, जो भी होते हैं वो पहले छोटा संगठन बनाते हैं, बाद में बड़ा संगठन बनता है। पहले ही पहले बड़ा संगठन कहाँ बन जाता है? चतुराई तो जिन्होंने भी बड़ा बड़ा काम किया है वो सबकी चतुराई। तो उसका गायन क्यों है? किसका गायन तो बहुतों का है, जितने जितने जितनों को गायन है वो सब शिवाजी है क्या? एक ही राजा शिवाजी है, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि राम वाली आत्मा ही शिवाजी? ये तो बाबा नहीं, मैं बाबा के साथ बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा, मैं बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा कि कौन सा पार्ट किसका है। अपने अपने चलन से, अपनी अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपने अपने कार्य से, अपने अपने वाइब्रेशन से, अपनी अपनी भाषा से, सब अपने अपने पार्ट को खुद ही प्रत्यक्ष करेंगे। कोई के कहने से कोई मानने वाला नहीं है। हेलो, मुंबई में एक पाटिल भाई निकले थे पहले, बाबा देखिए शिवाजी शिवाजी का पार्ट हमारा। हाँ, शिवाजी ने एक छत्र के नीचे सबको लाया ना।
एक छत्र के नीचे सबको लाया, एक छत्र के नीचे सबको लाया। हर छत्र में अलग 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 जगह जो पावर थी, वो पावर को सबको एक जगह लाने के कारण वो जीत सके। और बाप भी जो आते तो एक छत्र ही बनाने के लिए आते। एक छत्र सम्राट तो नहीं बन गया, बनेगा ना? शिवाजी तो नहीं बन गया? शिवाजी तो एक छत्र सम्राट नहीं बन गया? नहीं, राम वाली आत्मा तो एक छत्र सम्राट बन के जाती। तो दोनों समान कैसे समान लेते हैं? कलयुग की शूटिंग का पार्ट है, कलयुग की शूटिंग का पार्ट है। भाई कोई सॉरी तो बता रहे थे, कोई नहीं मारे का मुकाबला किया, यमुनों का मुकाबला किया, यमुनों का मुकाबला और ऐसे नहीं हुए भारत वर्ष में जिन्होंने यमुनों का मुकाबला किया हो? महाराज प्रताप ने नहीं किया? वो भी उसका ही पार्ट है। क्या मैंने आपको गोभी मुझी का पार्ट, गोभी मुझी का पार्ट कोई प्रूफ प्रमाण दो, ये उनका पार्ट था, ये उनका पार्ट था, ये उनका पार्ट था, ये तो ऐसे अल्पसंख्यक ठिकाना हो गया। बाबा ने अभी बोला है, बाबा ने अभी बोला है, जलन से वो प्रत्यक्ष करेंगे, आपकी जलन से आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये आपका पार्ट है, ये आपका पार्ट है। बात थोड़ी हुई, प्रूफ तो प्रूफ ही होता है, प्रूफ इकट्ठे करो, क्या प्रूफ इकट्ठे करके फिर प्रूफ सामने रखो तो लोगों को मानना ही पड़ेंगे। बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात अगर कही जाएगी तो बुद्धिहीन होंगे, वही मानेंगे। माहौल एरिया में उन्होंने जमाए थे, हाँ ठीक है, वो तो महाराष्ट्र के थे, तो मराठावाड़ में ही सारा काम किया होगा, उनको सदगढ़ बनाया है, इधर ही मावड़े लोगों के साथ वो सदगढ़ बनाए। ठीक है ठीक है, बनने के बाद किला बनाते थे ना, इसे किले में किला था। हाँ ठीक है, ये तो जन्म पत्थरों के किले बनाते थे। हाँ तो मावड़े जो आते हैं मजबूत तो इधर ही बन रहे ना अभी, इसलिए तो हम शिवाजी का पार्ट उनका है। ये कोई बात नहीं कि हमारे पूना में ही मजबूत है, शिवाजी नगर है, शिवाजी नगर है, ये शिवाजी नगर है, नहीं शिवाजी नगर है, शिवाजी नगर है, ये शिवाजी नगर है, नहीं नहीं है, सौगात तो बाबा ने दे दी है, नहीं तो मेरी सौगात राम को ही दे दी है, ये कैसे साबित होता है? शंकर का पाठधारी जो है तो वो प्रैक्टिकल में शरीरधारी जो है वो राम हो जाते हैं। चलो वो भी मान लिए कि है तो वो राम होता है, शिव सागर में जो गोटे खाने लगता है वो वही है, वो भी खाता है मतलब शिव सागर में सैया पे बैठा बैठा हुआ है। तो पहले नंबर के अष्टदेव है जो, वो भी नंबर वन पहले सारे 750 करोड़ में पहली बार ये स्थापना के निमित्त बनते हैं। तो मतलब इधर जो अष्टदेव कार्य करते है वैसे उधर अष्ट पता नहीं, जो शिवाली पहली बार सारा कारोबार तो कहता है। ठीक है ठीक है, तुम अपनी फैमिली ठीक से लेकर हम मान लूंगा, कोई प्रूफ मिलेगा पक्का प्रूफ होगा तो मानना ही पड़ेगा तुमको। अभी ये कोई ज्ञान नहीं है, ये इनका पार्ट है, वो उनका पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है, वो ऐसा पार्ट है, ये बोलना कोई ज्ञान नहीं। बाबा ब्रह्मा को
किसी मूल्य में अगर ब्रह्मा जब शिव आता है तीन मूर्तियों के साथ आता है और ब्रह्मा देव कहते हैं, अभी किसी मूल्य में कहते हैं ये ब्रह्मा तो मनुष्य है, इसकी पूजा नहीं होती। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जो है वो देव है, बाबा ने किसी मुरली ने ये स्वीकार किया कि ब्रह्मा देवता है? वो तो भक्ति मार्ग वाली कहते हैं ब्रह्मा देवता है नमा, विष्णु देवता है नमा, शंकर शिव परमात्मा है नमा, ऐसे भक्ति मार्ग वो कहते हैं। बाबा ने थोड़ी स्वीकार किया है कि ब्रह्मा देवता है। और बाबा ने एक मुरली में बोला है कि चिकन चाटा छोटी मम्मी है, जो सेकंड बाय सेकंड पुरुषार्थ करे, जो ज्यादा चक्कर काटे तो वो सेकंड भी सुई है, सेकंड बाय सेकंड याद करे। हाँ, और घंटा काटा बड़ी मम्मी को बताए। अच्छा, घंटे घंटे से पुरुषार्थ करे। अच्छा, तो मिनट काटा कौन? बाबा तो सतत याद में है। घड़ी में तीन कांटे है, एक सेकंड का काटा ज्यादा चक्कर काटता है ईश्वरीय सेवा के। एक ऐसा है जो 12 घंटे में एक चक्कर काटता है, क्या 12 घंटे में एक चक्कर काटता है। एक ऐसा है जो हर घंटे में एक चक्कर काटता है, वो मीडियम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पार्टनरी ना, हाँ चक्र को चला रहे ना त्रिमूर्ति। बीच की सुई कौन सी आप ये कह रहे हैं? जो तो लंबी वाली सुई है वो कौन है? सेकंड काटा राम बाप कैसे? अच्छा फैसला करो, बाद में बात करो। नहीं बाबा पूरा नहीं कहते, फिर से सुननी पड़ेगी। सुनो ना, मना कौन करता है? पुरानी कैसे नई कैसे सारी सुनो, मना कौन करता है? सुनो सुनी बाबा, उसके दो का बताया, एक का नहीं बताया। तो निकालो जो नहीं बताया वो मंथन करके निकालो। बाबा नहीं बताए, बाबा भी वेरीफाई करना पड़े और सच्चाई को वेरीफाई तो करना पड़ेगा। दो मूर्तियाँ क्लियर हो रही, तो तीन मूर्तियाँ क्लियर नहीं हो रही? एक मूर्ति रह गई ना फिर वो राम बाबा। अरे मूर्ति तीनों क्लियर नहीं हुई? तीनों मूर्ति क्लियर है, तीनों मूर्ति क्लियर है ना, जैसे थोड़े कि एक मूर्ति क्लियर है एक मूर्ति क्लियर नहीं है। नहीं नहीं तीनों क्लियर है। उसमें हाँ तीन कांटों में, तीन कांटों में तीनों ही कांटे हैं। पावन गाते हैं ना, पावन और ऐसे ये बोलते कि राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, माना कि पहले लक्ष्मी बाद और बाद में नारायण, और वहाँ तक पहले सीता और राम, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसे गायन करते तो राम सीता बोलते हैं या शंकर पार्वती बोलते हैं, ऐसा भक्ति मार्ग में सीताराम नहीं बोलते हैं? राम सीता तो कम बोलते हैं, सीता राम ज्यादा बोलते हैं। पति तो पावन राम सीता तो नहीं सुना है कहीं? क्या बोलते हैं पति तो पावन सीताराम? माने जो पति हैं वो पावन बनना वास्तव में तब शुरू होते हैं जब सीता को आगे किया जाता है। जो अभ्यर्थवाणी में बोला है, क्या बोला है? एक के पति हाँ, उसको आगे न किया जाएगा
शक्तियों को तो कोई काम होने वाला नहीं है। रामकृष्ण होते हैं ये सब काले की दिखाते हैं, रामकृष्ण को बहुत काला नहीं दिखाते, बहुत काला दिखाते हैं। जगन्नाथ की मूर्ति बहुत काली नहीं है, और काले रहने के टाइम पर ही उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ का गायन है, उस पुरुषार्थ के समय की पूजा है। जब पवित्र बन जाते हैं उस समय फिर कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहती है, इसलिए काला राम पूजा जाता है, काला कृष्ण पूजा जाता है। हाँ जी, बाबा नीरु जी का बहन बहन का नाम है, नीरु जी का बहन का नाम विजय लक्ष्मी था, तो विजय लक्ष्मी कौन है बाबा? जो विजय दरवाए, जो विजय दरवाए, जो विजय लक्ष्मी है, विजय माला बनेगी नहीं क्या? किसके द्वारा बनेगी? सातवार है सोमवार मंगलवार बुधवार उसकी साधन पर नाम चले सातवार सोमवार मंगल बुध इसी साधन पर नाम चले क्यों अष्टदेव नहीं है क्या? नवग्रह पूजा नहीं होता बाबा के क्लास के समय क्लास में जाने से रुकता है समझना चाहिए कि जो रोक रहा है पूर्व जन्म का कोई ऐसा हिसाब किताब है कि जब उसने सच्चे रास्ते पर वह चला होगा तो हमने उसको रोका होगा, तो वो अब हिसाब के साथ पूरा कर रहे हैं, कोई युक्ति निकालनी चाहिए उससे छुटकारा पाने की। उसको दुश्मन थोड़े समझना है, कोई ना कोई युक्ति नहीं तो वही तो आपने भी नहीं छोड़ा होगा। बाहर की दुनिया ऐसी कर रही है चलेंगे चलेंगे। बाबा ने कह दिया बाबा की बात को कभी उल्टा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाबा कहते हैं श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझे। बाबा ने बोल दिया तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, और आप कहते हैं वो नहीं चल सकते, तो रावण संप्रदाय हुए राम संप्रदाय हुए रावण संप्रदाय है। ये बाबा की रहमे रहमे लाना चाहिए, बाबा जो कहते हैं बाबा की बात सच्ची, और हम जो कहते हैं वो आवाज मिलती है। हम नेगेटिव संकल्प चलाते हैं लेकिन बाबा कभी नेगेटिव संकल्प नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे, उसमें आपका तो फायदा ही है। बाबा कहते तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, आप कह रहे हैं नहीं चल सकते, बाबा कहते हैं चलेगा, तो बाबा की बात में आपका कल्याण है या आप जो कहते हैं उसमें कल्याण है? बाबा की बात में हाँ में हाँ मिला देती है। और बाबा इंफीरिटी से विनाश होता है, तो जगदम्बा तो इंप्योर नहीं है, जगदम्बा इंप्योर नहीं है, चंडिका देवी गायन नहीं है, चंडिका देवी पूजी नहीं जाती है, पूजी जाती है तो उसने कुछ तो पवित्रता का पालन किया होगा। प्योरिटी है लेकिन वो प्योरिटी जो पूजी जाती है वो नीचे लोगों के द्वारा पूजी जाती है या ऊंचे लोगों के द्वारा पूजी जाती है?
बोलो तो हाँ ना तो करो। नीच लोग माने जो जो डकैत होते हैं, चोर होते हैं और लूढ़े चमार होते हैं, भंगी होते हैं, उनके यहाँ चंडिका देवी की ज्यादा पूजा होती है। हाँ, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, उनके यहाँ चंडिका देवी की पूजा नहीं होती है। देवी में नंबर बार देवियाँ हैं, लेकिन एक जैसी है, नंबर बार है। हाँ जी बाबा, दसरे के दिन रावण को दो बल जलाते हैं ना? दसरे के दिन हाँ रावण को जलाते हैं, देवी को तो वो देते हैं, देवी को तो वो देते हैं। हाँ, क्योंकि जो दस का हरण हो गया ना, जो दस सिर थे माया के, पांच सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और प्रकृति के भी पांच सिर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सारे के सारे हरण कर लिए, कंट्रोल कर लिए। जब कंट्रोल हो जाता है तो फिर देवियों का क्या होगा? वही तो वही दक्षिण तो उनके रूप है, गणेश है, हनुमान है, देवियां है, ये रूप किसके हैं? सब बाबा को आके मिलते हैं, गणेश भी ले तो बच्चे किसके हैं? बाबा के बच्चे नहीं है ये? हाँ, असुर भी बाबा के बच्चे हैं और देवता भी बाबा के बच्चे हैं। हाँ, हिंदुस्तान में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को मुस्लिम ने, हाँ, और वो पंतप्रधान सिख जाति का है, हाँ, और उसको प्रेमत चंद्र करने वाले वो विदेशी है, हाँ, तो सब देश विदेश के अधिक पत्ते में आ गया, तो आ गया हिंदुस्तान, हिंदू जी का स्वदेश में कब राज करेगा? अब्दुल कलाम की लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है? भारत और हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो देश है, फिर भी अब्दुल कलाम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, हाँ? यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में है, जो भी हो रहा है बाहर की दुनिया में वो सब ब्राह्मण की दुनिया में है। हाँ, वहाँ बड़े रूप में है, यहाँ यहाँ छोटे रूप में है। यहाँ त्रिमूर्ति का झंडा लहराया जाएगा तो वहाँ भी लहराया जाएगा। अभी तो बाबा ने कहा है कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे, ये तो मुसलमान को भी बैठा है क्या? वो नास्तिक क्रिश्चियन होते हैं ना, क्रिश्चियन के भी दो तबके हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक, तो कोई ऐसे क्रिश्चियन को भी बैठा देंगे जो पूरा नास्तिक होगा, प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। है अभी तो फिर भी सड़कों पे जो मंदिर होते हैं उनको छोड़ देते हैं, सड़कें बनाई जा रही नहीं चौड़ी चौड़ी, सड़क बना रहे हैं ना, गरीबों की झोपड़ियां सारी तोड़ते चले जा रहे हैं, उनके खून के पसीने से जो बेचारों ने बनाया है वो उनके तोड़ देते हैं, लेकिन मंदिरों को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं। कुदरत किसे कहेंगे? कुदरत ही तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसकी कोई व्याख्या है? रावण के पांच सिर वो कुदरत ही तो है, वो माया से भी ज्यादा पावरफुल है, माया दुनिया का विनाश नहीं कर पाती और कुदरत सारी दुनिया का विनाश कर मारेगी। क्या
कुदरत का करिश्मा, ये कुदरत जो है जिसे कुदरत कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है, जो दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, वो जब माया के साथ मिलकर के एक हो जाएगी क्या पूरा विनाश कर देगी। बाबा बोला है माया मन बुद्धि से सरेंडर होगी, हाँ तो उसको बुद्धि नहीं रही है तो अभी मन बुद्धि देगा कौन है? पर सत पद पावन शोक न सावन, ये किसके पाँव? बुद्ध रूपी पाँव का कमाल है कि संग का रंग लगने से पत्थर भी क्या बन जाता है? पार बुद्धि बन जाता है। ये ज्ञान लिटरेचर से समझने समझाने का नहीं है क्या? कोई ढेर डर लिटरेचर बांटते रहते हैं, सीढ़ियाँ बांटते रहते हैं, चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं, इस लिटरेचर से कोई समझता नहीं है। ये ज्ञान ऐसा है सन्मुख बैठ करके जब तक न समझाया जाए तब तक कोई समझ नहीं सकता। तो पत्थर की शिला जो है वो राम का पांव लगने से पांव हो गया। अष्टदेव अष्टनारायण एक ही है। अब प्रवेश करते हैं तो एक हो सकते हैं, ऐसे आत्माएं तो अलग अलग है ना। जो रतन होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू के होते हैं या एक जैसी पूजा होती है सबकी? कम वैल्यू के, कहाँ हीरा और कहाँ नौवां रतन जिसे पुखराज कहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू होती नहीं। एक दूसरे से ज्यादा कीमत वाले, एक दूसरे से कम कीमत वाले वो है रतन। जो देव है उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, वो सब हीरा है। हीरो पार्टधारी के बच्चे हैं बाबा। राम ही रावण बनता है ऐसा बोला मुली में, पर राम तो अभी नारायण बनेगा, बनेगा तो रावण क्यों बनेगा? सुनो कला में है ना, दुनिया में विनाश होगा या नहीं होगा? है होगा। जो ज्यादा मजबूत लोहा होगा वो सारे लोहे को काटेगा या कमजोर लोहा या लोहे को काटेगा? जो ज्यादा मजबूत पत्थर होगा वो दूसरे पत्थरों को तोड़ेगा या कमजोर पत्थर दूसरे पत्थरों को तोड़ेगा? तो माउंट आबू का पहाड़ ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ, काला पत्थर होता है ना, तो छोटा छोटा विनाश तो होता ही रहेगा दुनिया में। कभी इस शहर में आग लग गई, कभी उस शहर में आग लग गई, एटम बम गिर गया, लोग सुनते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, बड़े बड़े शहर खराब होते रहेंगे, लेकिन बड़ा विनाश तो नहीं हुआ। तो बड़ा विनाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? है जो माउंट आबू का पहाड़ है वो भी टकराएगा। है वो तो भूकंप नहीं होने वाला है, है? नहीं, अंत में जो सारी दुनिया जो एक एक कण है जहाँ से उसने चक्कर काटना शुरू किया है, साइकिल शुरू किया है, वहीं पहुँचेगा। हाँ जी, इसलिए लास्ट में तो आखिरी विनाश जो अति का विनाश है, जिसमें 500-700 करोड़ की दुनिया खराब हो जाएगी 5-7 रोज में,
वो मनुष्य आत्मा नहीं कर सकेंगे क्या? नहीं, राम वाली आत्मा ही जब ज्यादा याद में टिकती है तो सारी दुनिया का धर्म तो हो जाता है। इसलिए बोला राम ही रावण बनता है। शंकर क्यों नहीं बोलते बाबा? हैं? शंकर क्यों नहीं बोलते? किसको? राम ही शंकर बोलते हैं। शंकर एक आत्मा काम करती है कि तीनों आत्मा काम करती है? शंकर माने मिक्स, शंकर का पार्ट माना संग का और र सात शिव का से कृष्ण रा से राम, तीनों मिक्स होकर जो पार्ट बजाते हैं उसका नाम शंकर। राम अलग है, कृष्ण अलग पार्ट बजाता है और शिव अलग पार्ट बजाता है। मगर शंकर में शिव आ रहा है, शिव शंकर क्यों बोलते हैं? है? शंकर में शिव आते हैं। हाँ जी, तो शिव और शंकर अलग अलग बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? शिव शंकर बोले जा तो बोलते हैं भक्ति मार्ग। ये तो हमारी आश्रम में पहुंची है, शिव है में शिव है तो वापस शिव शंकर क्यों बोले? शिव शंकर बोलेगा। शिव बड़ा है कि शंकर बड़ा है? शिव बड़ा है। शिव का नाम पहले है, शंकर का नाम बाद में। शंकर में शिव है ना? हाँ, शंकर में शिव है नहीं पहले से, वो तो प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तब शंकर शंकर के रूप में विख्यात होता है। अगर वो प्रवेश न करे तो शंकर को भी कोई जानेगा नहीं, मानेगा नहीं। तो बड़ा कौन हुआ? शिव बड़ा हुआ, शंकर छोटा हुआ। इसलिए बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद। और लक्ष्मी की पूजा ज्यादा करके अवतार लोग ही करते हैं, तो इधर इसी वजह से सचिव होता है। वो लोग ही जो ज्ञान के साहूकार होंगे वो विजयमाला का आवाहन करेंगे, और जो अज्ञानी होंगे जिन्होंने पूरी एडवांस नॉलेज नहीं उठाई होगी वो देदारी उनके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं उनके अंदर। पार्वती को महिना की बेटी बोला है, तो वो तो करती है ना सब डायरेक्शन, तो उसको महिना से जो बाप का संकल्प, जो बच्चे का संकल्प होना चाहिए। अभी बाप का संकल्प क्या है? बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए या बाप को छुपाए देना चाहिए? और माया क्या कर रही? तो महिना हुई, सबसे बड़ी महिना हुई। तो मैं ना करूंगी प्रत्यक्ष। तो वो पार्वती की अम्मा है कि नहीं? उसको कंट्रोल कर रही है कि नहीं? वैष्णो देवी को सत्य की दशा है, सत्यनारायण कहा जाता है तो सत्य लक्ष्मी की नहीं पाई जाती? नहीं नहीं जाती। ऐसा क्यों? सत्य गीता है तो सत्य लक्ष्मी क्यों नहीं कहा जाता? गीता से पति से पावन बनेंगे या भगवान से पति से पावन बनेंगे? भगवान से। तो सत्य कौन हुआ? भगवान। गीता जो है वो माई बाप है सब शास्त्रों का, लेकिन गीता पति से पावनी नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाली गीता नहीं है वो। गीता माता जब शिव के साथ जोड़ दी जाए क्या, तब कही जाएगी पति पावनी। ऐसे तो गंगा भी कही जाएगी पति पावनी। गंगा अगर बाप के साथ उसका कनेक्शन नहीं है तो नदियां नाला बन जाती है, और बाप के साथ कनेक्शन है, नदियां बाप के कंट्रोल में है तो पति पावनी हो जाती है। तो वो अकेले गीता की बात नहीं है।
सभी की यही बात है। ब्रह्मा के कमंडल में दिखाते ब्रह्मा का बुद्ध रूप की कमंडल है और विष्णु जो है उसके बुद्ध रूपी पांव में गंगा है। क्या बुद्ध रूपी पांव में गंगा है? इसका मतलब गंगा प्रत्यक्ष होने से पहले है विष्णु के पांव में या बाद में? पहले की बात है ना, माने गंगा जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है तब तक कोई ऐसे युगल के संरक्षण में है जो दोनों मिलकर के एक होकर के चलते। गंगा जिस युगल के संरक्षण में है वो युगल जो है जैसे मम्मा बाबा एक होकर के चलते थे, ऐसे ही गंगा भी कोई युगल के संरक्षण में है। युगल माने किसने? कोई न कोई युगल है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ जी बाबा, कराची ब्रह्मा बाबा का हो गया था, कराची में वो मॉडल तैयार हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर पाकिस्तान का आ गए ना? हाँ, पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान वो पाकिस्तान की राजधानी थी, वो लोग क्यों ये ज्ञान उठाते हैं? कौन उधर के लोग? इसीलिए तो नहीं उठाते हैं कि वो तो सिर्फ मॉडल बना हुआ, मॉडल कोई असली चीज नहीं होती है। जैसे ये मकान है और पट्टे का उसका मॉडल बना के छोटा सा रख दो तो कोई असली चीज है क्या? है तो नकली ना। तो ऐसे ही उन्होंने नाम रख लिया पाकिस्तान, नापाक नहीं, ऐसा पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग होना चाहिए, ये पाकिस्तान होना चाहिए। है तो सिर्फ नाम रख लिया पाकिस्तान, है थोड़े पाकिस्तान। बाकी रहा मॉडल बनने की बात, आतंकवाद तो जो मॉडल बनाते हैं, जो डुप्लीकेट बनाते हैं, वो डुप्लीकेट धर्म वाले डुप्लीकेट बनाएंगे या असली धर्म वाले डुप्लीकेट बनाएंगे? जो डुप्लीकेट धर्म वाले हैं वही डुप्लीकेट मॉडल बनाते हैं। जो असली धर्म है देवी देवता सनातन धर्म वाले, कन्वर्ट होने वाले नहीं है, वो असली स्वर्ग का स्थापना करते हैं। बाबा नगरी से उधर के आतंकवाद कर रहे हैं कराची में, 1947-48 में जो 300-400 कराची में रहे पड़े थे वो इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन थे या वहाँ सूर्यवंशी थे बनाने वाले? जिनका संगठन बना था वो संगठन में इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन थे या सूर्यवंशी थे? तो नकली लोग क्या बनाएंगे? नकली मॉडल बनाए बाबा उसका और आतंकवाद का भी अभी ब्राह्मण की दुनिया में आतंकवादी कौन है? बात करने जाओ ज्ञान की बात और उनको मकान पकड़ के निकाल के बाहर कर दे, आतंकवाद नहीं है क्या? तुम्हारे ही पैसा जो उन्होंने वो बनाया है और तुमसे ही बात न करें तो आतंकवाद नहीं है? ₹500 करोड़ है मनुष्य जो मन चिंतन मंथन करने वाले, और जो 700-750 करोड़ जो बताए हैं लास्ट में आने वाले वो कोई मन चिंतन मंथन करने वाले नहीं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं, लास्ट में आएंगे और एक जन्म लेकर खेल खराब हो जाएगा।
हाँ जी ये बोला है तना कायम शिव बाबा यहाँ है, है? मना पाँच हजार वर्ष शिव बाबा रहता है तो बोला है ना सदा कायम कोई चीज है अगर तो शिव बाबा है हा? तो शिव तो चला जाता है नारायण संपूर्ण बने शिव बाबा कायम है कि नहीं शिव है शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कायम शिव थोड़ा ही कायम नहीं शिव बाबा हाँ शिव बाबा कायम है वैसे नहीं उसमें तो शिव बाबा क्या उसको सच्चा बना के नहीं जाता है वो आप समान बना के नहीं जाता है